क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र, इस टॉपिक का हम आज आखिरी श्रृंखला में देखेंगे कि पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र में आधुनिक सूचना तकनीक और पुस्तकालय विज्ञान के जो पांच सूत्र है वो हमें क्या बताते हैं। उससे पहले हमारे बीच में टॉपिक चल रहा था, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फाइव लॉ, पांचवा लॉ, जो पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है उसमें हमने बात कर ली थी पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, पाठकों की संख्या में वृद्धि, तथा फिर हम बात करने वाले हैं आज कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। हमें यह सूत्र पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों में पांचवा सूत्र जो हमारा है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने देखा था पुस्तकालय पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, जिसमें हमने पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होने पर पुस्तकालय भवन के निर्माण में हमने देखा था कि पुस्तकालय भवन के विस्तार में किस तरह से हमें पुस्तकों की वृद्धि होने पर उसका विस्तारण करना है, तथा पाठकों की संख्या में वृद्धि होने पर वाचनालय या पत्रिका कक्ष या समाचार पत्र आदि सभी में किस तरह से हमें पाठकों को व्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करनी है, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान के विकास में पुस्तक, पाठक और कर्मचारी, इन तीनों के विकास पर यह पांचवा सूत्र जोर देता है। तो हम आज बात करेंगे कि पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि। तो पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि होने पर डॉक्टर रंगनाथन महोदय बताते हैं कि हमें एक कर्मचारी परिषद का गठन करना चाहिए। कर्मचारी परिषद, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर कर्मचारियों पर नियंत्रण तथा उनके कार्यों का नियोजन यह कर्मचारी परिषद द्वारा करवाया जाएगा, जिसमें इस कर्मचारी परिषद से यह तुलना या इससे यह एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि यह परिषद कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करवाए। महत्वपूर्ण कर्मचारी परिषद का गठन तथा मंत्री परिषद के गठन में कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो, अर्थात कि कर्मचारियों का व्यवहार जो मैत्रीपूर्ण रहे तथा आपस में मिलकर के पुस्तकालय विज्ञान का जो पांचवा सूत्र है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है जिसमें कर्मचारी अपना संपूर्ण योगदान दे। तो इस जगह पर प्रश्न आता है या ये माने कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय एक स्टेटमेंट देते हैं, डॉक्टर रंगनाथन महोदय का यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है कि पुस्तकालय के पांचवा जो सूत्र है उसको उसमें किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए या पुस्तकालय के विकास के लिए हमें कर्मचारियों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत बनती है, वो है हमें मधुमक्खी के छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह से मधुमक्खियां एक छत्ते में, संपूर्ण छत्ते में जिस तरह से एकजुट होकर के अपने कार्य में व्यस्त रहती है और शहद को बनाने में जिस तरह से इनका योगदान रहता है, उसी तरह डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने कहा है कि पुस्तकालय के विकास में कर्मचारियों की भूमिका भी मधुमक्खी के छत्ते की तरह होनी चाहिए। तो अब हम, यह हुई हमारी कर्मचारियों की भूमिका की बात, तो हमारे सामने यहाँ एक और आता है, अधिकांशतः प्रश्न यही पूछा जाता है कि अनुपयोगी
पुस्तकों की विदाई या छटाई। चौथा बिंदु उन्होंने दिया कि अनुपयोगी पुस्तकों की विदाई या फिर छटाई, अर्थात कि पुस्तकालय के विकास में हमने देखा था कि लगभग सभी पुस्तकालय बाल विकास से धीरे धीरे वयस्क विकास से गुजरते हैं, जिसमें कि अनुपयोगी जो पुस्तकें हैं जीर्ण शीर्ण है या उनका संस्करण पाठ्यक्रम में बदलाव हो गया है, तो उन पुस्तकों की हम यहाँ पे विदाई कर सकते हैं। तो एक हमने देखा था कि पुस्तकों की अनुपयोगी पुस्तकों का प्रदर्शन, पहले हमारा प्रदर्शन की बात की थी हमने, तथा यहाँ पे हमारी बात हो रही है अनुपयोगी पुस्तकों की विदाई। तो हमें इन चार बिंदुओं पर मैन हमारा फोकस रहेगा इस पांचवें सूत्र में, कि पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है जिसमें पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, पाठकों की संख्या में वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि है तो हमें कर्मचारी परिषद का गठन करना है, तथा डॉक्टर रंगनाथन महोदय के अनुसार कि कर्मचारियों का व्यवहार मधुमक्खी के छत्ते की तरह, तथा चौथा बिंदु था हमारा कि अनुपयोगी पुस्तकों की विदाई, कि हमें जो पुस्तकालय में पुस्तकें हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है उन्हें हमें पुस्तकालय से बाहर कर देना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे डॉक्टर रंगनाथन महोदय द्वारा दिए गए पांच सूत्र है, उनकी चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और अब हम आगे देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र, जिसमें आधुनिक सूचना तकनीक में इनका किस तरह से महत्व है या किस तरह अंतर है, हमारा टॉपिक आता है अगला आधुनिक सूचना तकनीक में वर्तमान में यहां से प्रत्येक एग्जाम में जैसे जैसे पेपर का स्टैंडर्ड तय होता है उसी तरह प्रश्नों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, तो आधुनिक सूचना तकनीक और पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र। विज्ञान के पांच सूत्र हमें वर्तमान में इस बिंदु से अधिकतर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि आधुनिक सूचना तकनीक और पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र। यह टॉपिक शुरू करने से पहले सभी YouTube के साथियों से निवेदन रहेगा कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा, तथा अगला टॉपिक हमारा आपके समक्ष क्या होना चाहिए वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तथा अगला टॉपिक करवाने से पहले हमारी अस्तित्व ऐप पर एक आपकी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक बुधवार और शनिवार को टेस्टरी चल रही है, जिसका हम विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। तो हम 11 से 20 नॉन स्टॉप उनका सॉल्यूशन करेंगे, तथा उसके पश्चात आपके बीच आपके एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको यह वीडियो, यह टॉपिक पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र पसंद आया है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जो भी टॉपिक कठिन लग रहा है उसे बताइए, उसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, उसे हम बेसिक से शुरू करके एग्जाम के स्टैंडर्ड तक हम लेकर के जाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे कि आधुनिक सूचना तकनीक और पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों के बीच किस तरह से वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। तो हम देखें, हमने कि पहले वीडियो में हमने देखा था कि पुस्तकें, पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों में हमने पुस्तकों को देखा था, सभी पांचों सूत्र पुस्तक से संबंधित थे। तो इसी के उपरांत डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने
पुस्तक के स्थान पर प्रलेख शब्द का यूज किया 20वीं शताब्दी में पुस्तक के स्थान पर प्रलेख शब्द का प्रयोग किया गया 20वीं शताब्दी में डॉक्टर रंगनाथन महोदय द्वारा तथा उसके उपरांत हमने देखा था कि वेब प्रलेख के बाद में वेब शब्द का प्रयोग 2004 में अली रजा नरोजी द्वारा। ये सभी शोधकर्ता थे जिन्होंने समय के अनुकूल अपने अपने स्तर पर जिस तरह से परिवर्तन देखे गए पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र से ही रिलेटेड इन्होंने डॉक्टर रंगनाथन ने सबसे पहले अपने 5 सूत्रों में पुस्तक शब्द का प्रयोग किया तथा पुस्तकालय और पुस्तक से संबंधित दिए और उसके उपरांत प्रलेख शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने 20वीं शताब्दी में तथा उसके उपरांत वेब शब्द का प्रयोग अली रजा नरोजी ने 2004 में तथा इसके उपरांत हमने देखा कि मीडिया शब्द का प्रयोग 2008 में करोल सिम्पसन महोदय ने मीडिया शब्द का यूज किया पुस्तक के स्थान पर। इसके बाद में हमने देखा था कि ज्ञान शब्द का प्रयोग 2015 में बी सैडरिच महोदय ने पुस्तक के स्थान पर ज्ञान शब्द का प्रयोग किया कब 2015 में तथा मीडिया के उपरांत सोशल मीडिया पर 5 सूत्र दिए 2016 में डॉक्टर अचला मुनिगल। जिस तरह से पुस्तकालय के विज्ञान के 5 सूत्रों ने विश्व में पुस्तकालय के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डाला उसी तरह निम्न ये जो शोधार्थी थे इन्होंने अपने अपने शोध में उसी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में निरंतर धीरे धीरे जो बदलाव देखे गए उन्होंने इस तरह से पुस्तक के उपरांत कुछ ही समय बाद डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने प्रलेख तथा उसके बाद वेब अब मीडिया ज्ञान और सोशल मीडिया। तो हम अब देखेंगे कि सोशल मीडिया के उपरांत जो सूचना तकनीक है उसमें 5 सूत्र किस प्रकार से। हम बात करते हैं सूचना के, तो पहला यहां सूत्र आता है कि सूचना उपयोगार्थ। दूसरा सूत्र है प्रत्येक उपयोगकर्ता को सूचना मिले। अर्थात सूचना सबके लिए। दूसरा सूत्र कहता है प्रत्येक उपयोगकर्ता को सूचना मिले तथा सूचना सबके लिए। तीसरा जो हमारे सामने सूचना तकनीक में सूचना से है तो प्रत्येक सूचना को उपयोगकर्ता मिले।
चौथा सूत्र आता है वही उपयोगकर्ता का समय बचाएं, उपयोगकर्ता का समय बचाइए। तथा पांचवा सूत्र है सूचना वर्धनशील है। सूचना वर्धनशील है तो सूचना के क्षेत्र में यानी सूचना तकनीक में सूचना शब्द ने पांच सूत्र हम देख सकते हैं कि इस किस प्रकार से होंगे। सूचना उपयोगार्थ है, दूसरा सूत्र प्रत्येक उपयोगकर्ता या पाठक, हम इस जगह कह सकते हैं कि प्रत्येक पाठक को सूचना मिले और प्रत्येक सूचना को उसका उपयोगकर्ता मिले, प्रत्येक सूचना को इस जगह पर हम कह सकते हैं कि उसका उपयोगकर्ता मिले, और चौथा है कि उपयोगकर्ता का समय बचाइए, और पांचवा है सूचना वर्धनशील संस्था है। तो हम बात करते हैं कि सूचना उपयोगार्थ है, यहाँ से हमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला हमारा सामने है कि सूचना उपयोग के लिए, तो हमने देखा कि वर्तमान में जो हमारा प्रलेख शब्द था, प्रलेख, तो यहां इस प्रलेख शब्द के स्थान पर अब यह भी सूक्ष्म प्रलेख, प्रलेख के स्थान पर अब सूक्ष्म प्रलेख अर्थात माइक्रो, माइक्रो डॉक्यूमेंट। प्रलेख के स्थान पर सूक्ष्म प्रलेख धीरे धीरे इसने स्थान ले लिया है, तो अर्थात कि जो पुस्तक, पुस्तक से हमने प्रलेख शब्द को यूज लिया तथा प्रलेख से भी जो दस्तावेज है हमारे वह सूक्ष्म रूप में होने चाहिए, अर्थात कि सूचना जो है वह बहुत ही कम स्थान को यह प्रायोरिटी देती है। जिस तरह से हमने पहला सूत्र देखा था कि पुस्तकें उपयोगार्थ है, जिसमें हमने चार स्पेस और चार बिंदुओं पर चर्चा की थी, पहला स्थान, दूसरा समय, तीसरा फर्नीचर की, और चौथी हमने चर्चा की थी स्थान, समय, फर्नीचर और कर्मचारी। तो हमारा टॉपिक है आधुनिक सूचना तकनीक और पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र, जिसमें हम सूचना का पहला सूत्र देख रहे हैं कि सूचना उपयोग के लिए। तो इसमें कि हमने पहले सूत्र में पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र जो हमें पुस्तकालय का निश्चित स्थान होना चाहिए बताता है, वही यह सूचना उपयोगार्थ है, यह हमें इसके स्थान के महत्व को निराधार साबित करता है, पुस्तकालय के स्थान के महत्व को निराधार साबित कर रहा है। अर्थात कि पुस्तकालय विज्ञान के जो पांच सूत्र है उनका यह सूत्र विपरीतार्थ है, अर्थात यहां पर बात हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी की हो रही है। इस सूचना तकनीक में हम बात कर रहे हैं वर्चुअल लाइब्रेरी की, वर्चुअल लाइब्रेरी। अर्थात कि वर्तमान में सूचना उपयोगार्थ है, जिसमें स्थान पुस्तकालय का स्थान है, उसको यह सूत्र पुस्तकालय के स्थान के महत्व को निराधार साबित कर रहा है। तो उससे हमारा तात्पर्य कि वर्तमान में सूचना को हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर,
सूचना को अपने मोबाइल तथा कंप्यूटर में हम संग्रह करते हैं तथा घर में बैठ करके कभी भी इसका प्रयोग करते हैं। घर में बैठ करके हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे यहाँ पहला सूत्र जो कहता था कि पुस्तकालय का स्थान निश्चित हो जहाँ पे पाठक पहुँच सके, तो यहाँ सूचना तकनीक में सूचना उपयोगार्थ है उसमें यह सूत्र बताता है कि स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूचना को जो यूजर है उपयोगकर्ता है वह अपने मोबाइल या कंप्यूटर में संग्रह करता है तथा वह घर में बैठ करके उसका उपयोग करता है। दूसरे नंबर पे बात आती है समय की, तो पाठक या उपयोगकर्ता जो दूसरे नंबर पे है समय, तो पाठक जो है वह घर में बैठ करके दिन रात या किसी भी समय अर्थात 24 घंटे में जिस समय भी उसे आवश्यकता होती है सूचना की, वह अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठ करके 24 घंटे में कभी भी वह सूचना को प्राप्त कर सकता है। तीसरा कि वर्चुअल लाइब्रेरी में फर्नीचर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ फर्नीचर की आवश्यकता भी नहीं है। तथा कर्मचारी की बात करें तो वर्तमान में ऑनलाइन सूची ने पुस्तकालय के कर्मचारियों की के महत्व को भी काफ़ी कम कर दिया है। ऑनलाइन सूची ने पुस्तकालय के कर्मचारियों का भी काम बहुत ही सरल तथा कम कर दिया है। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान का आधुनिक सूचना तकनीक में जो दूसरा सूत्र है उसकी। यहाँ से प्रश्न यही पूछा जाएगा कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में सूचना उपयोगार्थ है, इसका पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र से किस तरह निराधार साबित करता है, या पुस्तकालय के स्थान को कौन सा सूत्र सूचना आधुनिक सूचना तकनीक में उपयोगी नहीं मानता, तो वह सूत्र रहेगा पहला सूचना उपयोगार्थ है। दूसरा है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता को उसकी सूचना मिले। अर्थात सूचना सबके लिए है। इस सूत्र से अब तक पिछले एग्जामों में हम देखें नेट DSSB NVS तो 5 से 6 बार इस सूत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक उपयोगकर्ता को उसकी सूचना कैसे मिले, अर्थात कि सूचना सबके लिए है तो प्रत्येक उपयोगकर्ता को सूचना कैसे मिले। इसके लिए यह सूत्र हमें यह बताता है कि सूचना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बात करें कि सूचना हमारे समाजीकरण में किस तरह उपयोगी है, कि सूचना को हम देखें कि समाजीकरण के वर्ग में यह सामाजिक संरचना को समाजीकरण में सामाजिक संरचना को विस्तारित करता है। पहली महत्वपूर्ण बात कि पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र माने या आधुनिक सूचना तकनीक में सूचना का यह दूसरा सूत्र प्रत्येक उपयोगकर्ता को उसकी सूचना मिले, अर्थात सूचना सबके लिए है, जिसमें सामाजिकरण में वर्तमान समाज के
सामाजिकरण में सामाजिक संरचना के विस्तारण पर यह सूत्र जोर देता है। अर्थात हम बात करें कि लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना में सामाजिक संरचना तथा सामाजिकरण में लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकारों के निर्माण में लोकतांत्रिक सरकारों के सरकारों के निर्माण में लोकतांत्रिक सरकारों के की स्थापना निर्माण में हमने देखा है, देखें कि वित्त का जो प्रावधान है वित्त का प्रावधान लोकतांत्रिक सरकारों के निर्माण में निर्माण तथा वित्त का जो प्रावधान है वह हमें प्राप्त होता है। जिस तरह से हमने दूसरे सूत्र में पाठकों के दायित्व सरकार के दायित्व तथा हमने देखे थे कर्मचारियों के दायित्व और चौथा हमारा देखा था प्राधिकरण के दायित्व, तो उसमें अब हम उससे तुलना करते हुए यहां देखें तो प्रत्येक उपयोगकर्ता को उसकी सूचना मिले। और पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र था कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, जिसमें हमने पाठकों के दायित्व, सरकार के दायित्व, कर्मचारियों के दायित्व तथा प्राधिकरण के दायित्व हमने देखे थे। तो यहाँ पे यह सूत्र कहता है कि सामाजिकरण, जिसमें सामाजिक संरचना के विस्तार में यह सूचना महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा कर रहा है तथा उसमें लोकतांत्रिक सरकारों के निर्माण या स्थापना, इस जगह हम कह सकते हैं कि निर्माण तो या स्थापना में वित्त का जो प्रावधान है, अर्थात वित्त का जो प्रावधान है वह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लोकतांत्रिक सरकारों के निर्माण या स्थापना से वित्त का प्रावधान पुस्तकालय के लिए आसान हो जाता है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को सूचना उपलब्ध होती है, आसानी से सूचना उपलब्ध हो जाती है तथा विशेष रूप से हम यहाँ बात करें कि सूचना तकनीक में हम यहाँ बात करें दूसरे सूत्र की, तो यह सूत्र नेत्रहीन, विकलांग या दिव्यांग समाज के प्रत्येक वर्ग, यहां हम देख रहे हैं कि सूचना सबके लिए है, अर्थात कि समाज के प्रत्येक वर्ग, जिसमें हम बात करें कि नेत्रहीन, विकलांग, दिव्यांग, जो ये वंचित है अर्थात शारीरिक रूप से असक्षम है, तो इन्हें भी सूचना को या सूचना की तकनीक इन्हें भी सूचना से वंचित नहीं रख रहे, वंचित नहीं रख रहे, रख पाई। तो हमारे सामने यह प्रश्न प्रत्येक वर्तमान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेत्रहीनों को सूचना या नेत्रहीनों, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र नेत्रहीनों के लिए पुस्तकें प्रदान करता है या पुस्तकालय की सेवा में प्रदान करता है, या हम ये कहें कि नेत्रहीन, विकलांग या दिव्यांग को सूचना मिले तो यह हमें किस सूत्र की पालना करता है, तो पुस्तकालय विज्ञान का यह दूसरा सूत्र जो हमें प्रत्येक
पाठक या उपयोगकर्ता तक सूचना सबके लिए है, जिसमें कि नेत्रहीन, विकलांग तथा दिव्यांगों को भी यह सूत्र पुस्तक सूचना से इनको भी वंचित नहीं रख पाया। तथा हम आधुनिक दौर में देखें, कि सूचना सबको किस तरह से मिल रही है, तो हम बात करते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, कई बार पूछा गया है, तो हम आधुनिक में बात करें तो हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं सेलफोन या टीवी या सेल रिमोट या डीटीएच टीवी, ये किसी न किसी नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर उनकी नेटवर्क की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, इन सभी के उपयोग में किसी न किसी वह नेटवर्क से जुड़े रहते हैं तथा नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हमसे कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में नेटवर्क महत्वपूर्ण अपनी भूमिका किस सूत्र में अदा करता है, तो हमारा सही आंसर होता है 2 सूत्र। यह नेटवर्क सब कई बार पूछा गया है, तो यह इस टॉपिक से हमारे सामने प्रश्न आता है। एक हमने पहले देखा कि नेत्रहीन, विकलांग या दिव्यांगों के लिए सूचना 2 सूत्र में, तथा नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका भी हम याद रखना कि 2 सूत्र की पालना करता है। तो हम बात करें, अगला हमारा सूत्र आता है तीसरा। तीसरा सूत्र है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता को प्रत्येक सूचना को उसका उपयोगकर्ता मिले, यह सूत्र हमें बता रहा है कि सूचना को उपयोगकर्ता मिले। जिस तरह से हमारा तीसरा सूत्र था कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, उसी प्रकार हमारा यह तीसरा सूत्र है कि प्रत्येक सूचना को उसका उपयोगकर्ता मिले। तो हम जानते हैं कि वर्तमान में सूचना मानव को सूचना का स्रोत हमारा मोबाइल तथा कंप्यूटर ने ले ली है। वर्तमान में सूचना को हम देखते हैं कि मोबाइल तथा कंप्यूटर सूचना के प्रमुख स्रोत है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सूचना उत्पाद है। सूचना उत्पाद के रूप में हमारे यहाँ पर सूचना का स्रोत जो मुख्य रूप से है वह मोबाइल तथा कंप्यूटर है, तथा सूचना उत्पाद में है, तथा सूचना का तभी उपयोग होगा जब उसको उसका उपयोगकर्ता मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे तीसरा सूत्र विशेष रूप से यह मांग करता है, कि सूचना प्रत्येक उपयोगकर्ता को मिले। तथा हमसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, विस्तार सेवा,
सूचना का यह तीसरा सूत्र हमसे विशेष मांग करता है कि सूचना को उसका उपयोगार्थ मिले तथा सूचना के प्रचार तथा प्रसार में से ही उसको सूचना उपयोगकर्ता मिलेगा, जिसमें हमसे कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि विस्तार सेवा किस सूत्र से संबंधित है या एक्सटेंशन सर्विस हमारी किससे संबंधित है। तो हमें यहाँ पर तीसरा सूत्र रहता है तथा एक पूछा जाता है अथाह जानकारी। अथाह जानकारी, अथाह जानकारी का संबंध पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से है, या फिर हम इसकी इंग्लिश देखें तो एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। यह एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन जो है वह अर्थात अथाह जानकारी हमारा यहाँ पे यह सब या फिर यह सब पूछा जाता है कि यह किस सूत्र से संबंधित है। तो हमारा यह तीसरे सूत्र से संबंधित है कि प्रत्येक सूचना को उसका उपयोगकर्ता मिले। TIV एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पर बात की कि प्रत्येक सूचना को उसका उपयोगकर्ता मिले, तो जिसमें विस्तार सेवा या अथाह जानकारी, ये दो शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखना है कि अथाह जानकारी किससे संबंधित है या एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन किन से संबंधित है। तो पुस्तकालय विज्ञान का तीसरे सूत्र से संबंधित है। तो चौथा सूत्र आता है हमारा यहाँ पर कि उपयोगकर्ता का समय बचाइए। चौथा सूत्र है कि उपयोगकर्ता का समय बचाइए। उपयोगकर्ता का समय बचाइए। उपयोगकर्ता का समय किस तरह से बचा सकते हैं हम? वर्तमान में जिस तरह से हम बात करते हैं आदान प्रदान प्रणाली की पुस्तकालय में, कि पाठकों का समय पुस्तकालय में आदान प्रदान प्रणाली में कंप्यूटर या बारकोड सिस्टम का प्रयोग करें, तो हम सूचना के उपयोग में या उपयोगकर्ता का समय इस सूचना तकनीक में किस तरह से बचा सकते हैं। तो हमारे सामने वर्तमान में कि लाइब्रेरी से संबंधित हमारे सॉफ्टवेयर या फिर हम कह सकते हैं कि बारकोड समय के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सॉफ्टवेयर तथा बारकोड रीडर सॉफ्टवेयर तथा बारकोड रीडर वर्तमान में यह हमारे समय को बचाने में उपयोगकर्ता में महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों में सॉफ्टवेयर तथा बारकोड रीडर किस सूत्र की अनुपालना करते हैं। तो हमारा सही आंसर रहता है कि उपयोगकर्ता का समय बचाए या पुस्तकालय में पाठकों का समय बचाए उससे संबंधित रहता है। अगला हम देखें हमारा पांचवा जो सूत्र है, पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। तो यहाँ पर हमारा पांचवा सूत्र है सूचना वर्धनशील है,
वर्धनशील संस्था है। सूचना वर्धनशील संस्था है जिसमें हम देखें कि पुस्तकालय में एक पुस्तकालय में पुस्तक कर्मचारी एक पुस्तकालय पुस्तक कर्मचारी तथा संग्रह की यह कथन आता है कि एक पुस्तकालय पुस्तक कर्मचारी तथा संग्रह की त्रयी है, यह किस सूत्र से संबंधित है? तो हमारा आंसर रहता है एक पांचवें सूत्र से कि सूचना वर्धनशील संस्था है। इससे हमारा इस संबंध में हमें पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, वहां पे हमने यहाँ पे देखा था पुस्तक पाठक तथा कर्मचारी। तो सूचना में पाठक के स्थान पर हमें यहाँ पे संग्रह को जगह मिली है कि पाठक तो उपयोग करता है, पुस्तकालय जो है यहाँ पे उपयोग करता, अर्थात कि पुस्तकालय जो था पुस्तकालय की तुलना में हम अब वर्तमान में देख रहे हैं कि पुस्तक कर्मचारी तथा संग्रह को पुस्तकालय की धारणा में या सूचना तकनीक में यहाँ पे इस पुस्तकालय का वर्चुअल लाइब्रेरी से संबंध है। तो हमें देखें कि पुस्तक कर्मचारी और संग्रह इन तीनों की त्रयी है। आगे हम बात करें कि सूचना में निरंतर वृद्धि, सूचना में निरंतर वृद्धि हो रही है, सूचना में निरंतर वृद्धि को सही दिशा में सही उपयोगकर्ता को या वह सूचना हमारे नियंत्रण में कैसे रहे, उस पर यह पांचवा सूत्र विशेष रूप से जोर देता है। तथा सूचना क्रांति के वर्तमान युग में सूचना से ज्ञान की अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल रही है कि सूचना में निरंतर वृद्धि हो रही है। तथा सूचना के आधुनिक क्रांतिकारी युग में ज्ञान की अप्रत्याशित वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, जिसका एक परिणाम भी है सूचना के में परिणाम में हम बात करें तो एक शब्द आता है आतंकवाद। आतंकवाद में हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में से तात्पर्य यहां हमारा क्या रहेगा, इस पांचवें सूत्र में यहां शब्द आया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से हमारा सीधा सा तात्पर्य है कि वर्तमान में फैल रही झूठी अफवाहें या सूचनाएं जिसका तेजी से वायरल होना, जिससे दंगे फसाद, अर्थात हम कह सकते हैं एक शब्द आता है इन्फोवार, या तो शब्द आएगा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जिसका सीधा सा संबंध सूचना के पांचवें सूत्र से, या फिर हमारा यह शब्द हमें देखने को मिलेगा इन्फोवार, अर्थात
सूचना का युग। सूचना का युग तो हमें यह पांचवा सूत्र सूचना को सही दिशा में सही व्यक्ति को या सही पाठक को, अर्थात सूचना उस पाठक तक पहुंचनी चाहिए जो उसका वास्तविक हकदार है, या उस सूचना का नियंत्रण कैसे हो उसके विकास पर बात कर रहा है। तो हमारा वर्तमान में जितने भी अगर युद्ध होंगे तो यह सूचना की तकनीक के ऊपर निर्भर करेगा। तथा यहाँ पे हमारा शब्द था इन्फोवार, जिसे हमने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद नाम दिया है। तो इससे हमें सूचना विज्ञान के पांचवा जो सूत्र है वह उसमें यह पूछा जाएगा कि इन्फोवार पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर रहेगा पांचवा, या फिर सूचना तकनीक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अर्थ इन्फोवार्स है, जिसे किस सूत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। तो हमारा आंसर रहेगा फाइव लॉ, पांचवा सूत्र। हमने यहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र जो डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने दिए हैं उन पर हमने बात की। बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हम इस टॉपिक को लेकर के गए। तो हम अब कुछ हमने देखा था फिनलैंड के दो लेखक, फिनलैंड के दो लेखकों ने डॉक्टर रंगनाथन महोदय के पांच सूत्रों को अपर्याप्त बताते हुए इन्होंने अपने, इनका नाम है उरेनो व पैकरन, कुरेनन तथा पैकरनन ने दो सूत्र दिए थे, छठवां और सातवां, दो सूत्र दिए थे, जिसमें इन्होंने छठवां सूत्र बताया था प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय। सातवें सूत्र की हम बात बाद में करते हैं, जो सातवां सूत्र था उसे भी देख लें आप। सातवां सूत्र था प्रत्येक लेखक का पुस्तकालय में योगदान। जो सातवां सूत्र, छठवां सूत्र उन्होंने दिया था कि प्रत्येक पाठक को, पाठक का अपना पुस्तकालय हो, तथा उन्होंने सातवां सूत्र दिया प्रत्येक लेखक का पुस्तकालय में योगदान हो। तो हमारे इस सूत्र से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय हो, जिसमें पाठक को अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि पाठक से अभिप्राय है। फिर ऑप्शन में हमारे सामने रख दिए जाते हैं, प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक पाठक का अपना पुस्तकालय हो, यहां पाठक से अभिप्राय क्या है। ऑप्शन में वो आपके सामने रखेगा,